अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, फाइनली भाई इतना सारा सामान लेकर आ गए हम, रस्सी, ये चीज़ें, ये कुंडे वगैरह सब कुछ लेकर आ गए। मैंने कल ही वीडियो में तुम लोगों को बता दिया था कि यार टेंट लाया हूँ, मैंने दिखाया था आप लोगों को और किस वजह से लाए थे। खैर से यार दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है यार कि आज फाइनली हमारा जो सेटअप है यार वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। और जो हमारे को परेशानी थी, जो एक वैन पे दबाव था ना कि यार ख़राब हो रहा है और बहुत मुश्किल हो रही थी हमें इधर वीडियो बनाने में भी, क्योंकि ये ऊपर हमारे सर पे लगता रहता था। तो इस वजह से और काफ़ी यार मुझे कमेंट्स भी आते थे और काफ़ी बैड कमेंट्स भी आ जाते थे, यार आप सेटअप सही करो, क्या लगाया हुआ आपने, बहुत ख़राब हो रहा है। तो आज फाइनली भाई आप लोगों के कहने पर भी, और हमें खुद भी भाई ये चीज़ थी, हमें भी करना था, तो हमने पूरा सेट करने का फैसला करा और आप लोगों के कहने पर मैं ले आया हूँ भाई। आज यार हमारा मेन यही काम है दोस्तों कि हमने जो टेंट लगाना है। और एक और चीज़, कल जो है ना एक बंदा गायब था और आज वो आ गया है, ये देखें पीछे कैमरे के। हाँ, जितनी प्यार से सलाम कर रहा है ना ये शख्स, ये कल भागा हुआ था, मुझे बोला असल में कॉल कर दिए गए 7:15 आया दोस्तों। ये तुम्हें पता सारे काम इतनी मुश्किलों से हुए हैं अकेले, वरना हम ये कल ही लगा देते टेंट। अब मैं आ गया ना, अब मैं आ गया। खैर यार कल हमारे पास ये सामान भी अवेलेबल नहीं था, पट्टियाँ, ये अब इसको किस तरीके से लगाना है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साथ साथ, और काम शुरू करें भाई। देर हो रही है दोस्तों, और आज मौसम दिखा दूँ, बारिश का मौसम है फुल, कुछ भी नहीं पता। एक हफ्ते तक लगातार बारिश बताइए, रात में हुई भी और शाम सुबह में भी हुई है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं पता यार इससे पहले बारिश हो। लगाते हैं यार आज, और खुशी हो रही है यार आज फाइनली हमारा सेटअप सेट हो जाएगा। अच्छा तो यार दोस्तों, हमने जो है वो टेंट को खोल लिया पूरा, ये देखें। अब जो है ना हम इसके आगे काम क्या करने जा रहे हैं, ये जो तरपाल था ना हमारा यार, तो इसको वैसे भी रखेंगे तो बेकार है, ये पड़ा रहेगा इधर ही, या फिर पिंजरों पे लटकाएंगे तो फट जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि यार तरपाल टेंट के ऊपर ही लगा दें, ताकि अगर टेंट कहीं से वैसे लीकेज तो नहीं है, टेंट बिल्कुल सेट देख कर लाएँ पूरा, फिर भी एहतियाती तौर पर हमने इसके ऊपर ये लगा दिया पूरा तरपाल, ताकि पानी आने गिरे तो वहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरेगा पानी, और तरपाल से टेंट भी सेफ रहेगा। साइडें तो खैर है इतनी बहुत, थोड़ी बहुत तो बच जाएँ, क्योंकि टेंट यार बहुत बड़ा है। खैर से यार अब पूरा काम हो जाएगा से थोड़ी देर में, लेकिन हमें काफ़ी टाइम लग गया इसी में। और अभी जो है यार बांस भी ठोकने हो, देखो एक बांस हो रहा, एक बांस हमने ठोका है पर उसमें थोड़ी सी एक गलती हो गई हमसे, वो मैं दिखाता हूँ। तो यार दोस्तों, अभी देख रहे हो तुम अंधेरा हो रहा है, तो यार ये असल में बादल बहुत आए हैं। हाँ, और ये टेंट लग गया है, क्या हो गया क्या? ये एक छोटा, अबे बिल्ली का बच्चा है ना दोस्तों, ये वही बैठा हुआ है यार। फुरकान जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, दिखाओ तुम्हारे को चीज, क्या हुआ? छलांग मार लो, कोई मसला नहीं, जल्दी आओ, लेकिन जल्दी आओ यार, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा ये जिंदा है यार, माशाल्लाह। तो यार ये देखें, ये वही बच्चा है, नीचे चले जाते अभी, तुम देखो यार ये जिंदा है, मैं तो समझ रहा था कि ये कहीं अल्लाह ना करे मरमरा गया। तो यार जिस बच्चे का नाम हमने क्यूटो रखा था, जो हमें मिला था गली में, जिसको हम रेस्क्यू करने की कोशिश करें, तो जिंदा है यार, मुझे इतनी बेहद खुशी हो रही है। वो देखें, वो रहा, पर यार ये जंगली बन चुका है, ये अब पालतू वाला नहीं रहा, वरना इसको हम उठा के पाल भी लेते, पर मैं सोचा था गली में ही पाल लेंगे, पर ये पल नहीं सकता, अब ये जंगली हो गया यार। पर खुशी इस बात की है कि हमारा क्यूटो जो है वो जिंदा है फाइनली यार, बहुत खुशी हुई। खैर से यार ये जल्दी से काम हो जाए, और ये देखें काली घटा आ गई है यार। तो सबसे पहले मैं इन सबको दाना पानी कर दूं यार, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, पहले इनको खाना डाल दूं जब तक ये बांध लें। लास्ट में तुम लोगों को मैं पूरा दिखाता हूं यार कि आज हमने कैसा करा और कैसा हुआ है पूरा सेटअप। भाई इसको फेंक दो, उसको फेंक दो। तो यार ये हड्डी निकली थी खाने में, शायद डाल दी होगी किसी ने,
तो क्यूटो को मैं डाल के चेक करता हूँ ये खाता है नहीं खाता है यार। क्यूटो आगे आ जाओ क्या दे रहे चली गलत जाएगी यार। चले इसको मिल जाएगी खुद ही मिल जाएगी। तारा मिल गई भाई पहुंच गया यार पहुंच गया उस तक पहुंच गया। तो यार दोस्तों मैंने जो है ना वो आधे से ज़्यादा उनको दाना पानी कर दिया है, बस थोड़े बहुत रह गए क्योंकि यार प्याले थोड़े से कम पड़ रहे थे। इनको भी डाल दिया इन्होंने खा लिया इन्होंने खा लिया। जैसे जैसे खाते जाएंगे ना बाकी दो या तीन रहते हैं उनको हम डाल देंगे। बाकी यार काम जो है हमारा वो आपके सामने है। यहाँ तक पहुँचा है ये देखें यहाँ तक तो बन गया है। इरफान जो है वो यहाँ से बांध रहा है अब। और एक चीज़ मैं और दिखा दूँ वो देखें ये आपको दिख रहा है डंडा। ये हमने यहाँ पे इसको सहारा देने के लिए करा है। डंडे को बांध के यहाँ से जाएगा ये नीचे रस्सी घर के अंदर गिरेल है वहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ हमारे कोई जगह नहीं है तो यहाँ ये बंद नहीं सकता, इसीलिए हमने खड़ा करा है ताकि इसको हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से टेक दे सकें। तो बस ये काम था भाई। और एक जो है हमने और बांधना था यहाँ पे डंडा, पर वो डंडा जो है हमने दीवार की ऐसे नहीं लगाया। भाई ने बोला दीवार जो है ना यार ये अभी बेटा अभी अभी बनी है, ये ना हो कि तुम्हारे चक्कर में हम बांध दें और वो टूट टूट आ जाए। तो उनकी बात सही है तो इस वजह से मैंने भी कैंसिल करा। इसको जो है अब हम यहाँ पे कहीं किसी जगह से करते हैं अभी जुगाड़ और नीचे देते हैं इसको कुछ ना कुछ करके। बाकी ये जो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है जैसे ही पूरा बनता है फिर दिखाता हूँ। और बाकी यार दाना पानी सबको तकरीबन हो चुका है। तो यार इन्हें जो है मैं दाना पानी कर रहा था, अंधेरा हो चुका है तो उसमें देखें आप मुझे क्या मिला अंधेरे में। अंधेरा हो रहा था ना इसलिए वाजे नहीं हो रहा था यार। इनका अंडा पड़ा हुआ था भाई, इनके अंडा आया हुआ था माशाल्लाह से, तो ये पानी के नीचे पड़ा हुआ था इस तरफ। आगे रखता हूँ ना मैं। तो यार दोस्तों मगरिब हो गई है और काम तो पूरा हो गया हमारा पर अंधेरा हो गया बिल्कुल। वो देखें फुल अंधेरा हो रहा है। खैर से यार यहाँ पे हमने एक बल्ब भी लगाना है, एक या दो बल्ब लगा देंगे सामने इस तरफ एलईडी, ताकि बारिश में गीली भी नहीं हो और पूरा सेटअप हमें दिखता भी रहे और मुझे खुद को भी देखना पड़ता है भाई, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा अभी। खैर से पहला स्टेप जो था ना हमारा यार सेटअप का वो फाइनली डन हो गया है, पूरे का पूरा सेट आ गया। ये इससे अब ये है कि हमें परिंदों की फिक्र नहीं होगी इतनी जो हमारे को करनी पड़ती है कि यार तरपाल फट जाएगा बारिश हो रही है ये हो जाएगा, हमारी टेंशन ख़त्म हो गई। कैसा लगा आप लोगों को लाजमी बताना कमेंट में, ये हमने सही करा ना यार फैसला। बाकी इसकी फाइनल लोकेशन मैं तुम लोगों को कल सुबह दिखाऊंगा इंशाल्लाह व्लॉग में, अगले वाले व्लॉग में तो फुल पूरी कंडीशन दिखा दूंगा कि कैसा क्या क्या हुआ है। बाकी इरफान फुरकान दोनों चले गए घर यार, क्योंकि उनको कॉलें आ रही थी। हम तकरीबन 3 बजे से लगे हुए इस काम में और 7:30 हो गए दोस्तों, और मगरिब कब की हो गई है तो अंधेरा हो रहा है, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। बाकी भाई भी थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ यार, और वो दोनों भी थक गए थे। बाकी ये भाई आज काम था हो गया, कल इंशाल्लाह आप लोगों को फाइनल लुक दिखाता हूँ, फिर लाजमी बताएगा कैसा लगा। सेकंड स्टेप हमारा और भी है, वो भी मैं तुम लोगों को कल व्लॉग में बताता हूँ, अभी बहुत थकन हो गई है। खैर से अभी इजाज़त दो यार, अगर आप लोग आज के व्लॉग पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त अपने भाई दोस्त को, अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय। फिलहाल भाई अभी ऐसे ही देख लो, देख रहा अंधेरा हो रहा मज़ा नहीं आ रहा देखने में, इसलिए मैं कल दिखाऊंगा।